सेक्शन टू स्टार्ट करते हैं। सेक्शन टू में क्वेश्चन वन हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को कुछ इलिप्स का कलेक्शन दे रखा है और कुछ रेक्टेंगल्स का कलेक्शन दे रखा है, और कुछ इस तरह की बात हम लोगों को दी हुई है कि इस तरह से हम लोगों को इलिप्स लेना है जिनके प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये इस तरह से हम लोग फर्स्ट इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी इलिप्स के अंदर हम लोगों को रेक्टेंगल ड्रॉ करना है लार्जेस्ट एरिया का, अगर हम लोग इस इलिप्स पर स्थित इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा सपोज करें, देन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एज ए कॉस थीटा कॉमा जीरो एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स लाइक जीरो कॉमा बी साइन थीटा। सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज ए कॉस थीटा इंटू ए बी साइन थीटा, एंड लाइक वेज देर आर three remaining rectangles having equal areas. The area of this rectangle becomes 4 times AB sin theta into cos theta, which is equal to 2 times AB sin 2 theta. If we want to make the area of this rectangle maximum, for this purpose sin 2 theta should be maximum, which will happen at theta equals to 45 degree, that is this becomes 1. So this is fixed in the question, that whenever a ellipse is drawn having center at origin and axis at x and y axis, and rectangle is drawn inside it, and that rectangle is having maximum area, for that purpose this theta should be every time 45 degree. So this becomes similar in throughout the ellipses and rectangles. So is knowledge ke baad hum is question mein kya keh sakte hain ki agar hum logon ke paas mein इलिप्स E1 है, रेक्टेंगल R1 के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे A अपॉन रूट टू सिंस थीटा इज 45 डिग्री, और इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 कॉमा B अपॉन रूट टू। इसके अंदर जब हम लोग रेक्टेंगल बना, इसके अंदर जब हम लोग इलिप्स ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, जिसको कि इलिप्स E2 कहा गया है, उसकी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू 1। सो कंप्लीटली हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि E1 इलिप्स से जब E2 इलिप्स पर आएंगे तो ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह हमें ए स्क्वायर बाई टू और बी स्क्वायर बाई टू मिल जाएगा। इसी तरह से E3 इलिप्स पर हम जब जाएंगे तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई टू टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2 to the power 2 equals to 1. In this way, now we can predict the equation of E9. Why we are talking about E9? Since two questions has been asked about E9. So E9 ki equation ke bare mein kaha ja sakta hai ki E9 ki equation ho jati hai x square upon a square is 9 upon 2 to the power 8 plus y square upon b square is 4, 2 to the power 8 equals to 1. ये इलिप्स हमारे पास फिक्स्ड होकर के आ जाता है। इस इलिप्स की हम लोग, जैसा कि हम लोगों से पूछा गया है, सबसे पहले इस इलिप्स में सेंटर और फोकस की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। फोकस हम लोग प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर 0 0 है ही। जब वो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल नॉट बी इक्वल टू रूट 5 अपॉन 32, सो द ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। एंड हम लोग E9 इलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a विच इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 टू दी पावर 8 अपॉन 3 अपॉन 2 टू दी पावर 4। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे दिस इज 2 क्यूब एंड 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 8, 1 अपॉन 2 3, दैट इज 1 अपॉन 6। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इनकरेक्ट। नाउ रिमेनिंग टू ऑप्शंस पे बात करें, E18 और E19 इसेंट्रिसिटीज पूछी गई है। जैसा हम लोगों को दिख रहा है इन सारे ही इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, और इसका मतलब ये होगा कि सभी इलिप्स की इसेंट्रिसिटीज, दैट इज E1, E2, E3, इन सभी इलिप्स की इसेंट्रिसिटीज सेम रहेगी। सो यहाँ दे रखा है कि ये नहीं होंगी सेम, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात हम करते हैं।
जिसमें हमें दे रखा है सारे रेक्टेंगल्स जो दिख रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सभी रेक्टेंगल्स का एरिया का सम लेस देन 24 होगा फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। मतलब हम n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ लें, ये जो आंसर आने वाला है वो 24 से छोटा आने वाला है। अगर हम लोग रेक्टेंगल R1 की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल R1 जो था उसके हमारे पास में, जो कि इस प्रकार से था, जिसमें हमको यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले थे a बाई रूट टू कॉमा जीरो एंड 0, b अपॉन रूट टू, और इसका एरिया हम लोगों को मिला था a बाई रूट टू इंटू बी बाई रूट टू इंटू 4, दैट इज 2ab, a इज 3 एंड b इज 2, सो 12। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास में 12 है। जब हम सेकंड रेक्टेंगल पर जाएंगे तो ये एरिया हमारे पास में फर्दर हाफ होता जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल द ज्योमेट्री गिवन। सो दिस सेकंड एरिया, दैट इज R1, एरिया ऑफ R1 इज 12, एरिया ऑफ R2 इज 6, एंड फर्दर द एरिया विल बी डिवाइडेड हाफ एवरी टाइम। वी कैन से दैट सिग्मा ऑफ एरिया ऑफ Rn, n इक्वल्स टू 1 टू n, will be surely less than R1 plus R2 plus R3 up to infinity times, that is 12 plus 6 plus 3 till infinity time. This is a geometric progression of infinite terms having common ratio 1/2, so we can add it a upon 1 minus r, which is 24. So we can say that this area will be always less than 24, so option number 3rd is also correct. Okay, next. Okay, next question. Question number 2, solution of triangle per based a question है, जिसमें एक non right angle triangle PQR के बारे में हम लोगों को कुछ बातें दी हुई है। हम लोग triangle PQR बना लेते हैं। Let us say this is P, Q and R. जैसा हम लोगों को दे रखा है, इस पॉइंट के इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड लेंथ, दैट इज दिस इज √3, क्यू के सामने साइड लेंथ की स्मॉल क्यू इज 1, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल कैपिटल आर हैज बीन गिवन एज 1। काफी सारी चीजें हम लोगों से पूछी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग साइन फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन साइन पी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्यू equals to 2r. Now r is 1, so this is 2. From this we can write sin p equals to √3 upon 2 and sin q equals to 1 upon 2. From here we get two ideas about p, that it can be equals to 60 degree and it can be equals to 120 degrees. And similarly we get two ideas about q, that is q is 30 degree or 150 degree. Now if I take P as 60 degree and Q as 30 degree, then R will be 90 degree, which is not possible since in question it has been given that the triangle is non right angled. So 60 and 30 ka option hame delete karna padta hai. Agar main P ko 60 degree leta hu aur Q ko 150 leta hu, तो इन दोनों को ऐड करने से ही 210 डिग्री आ जाता है, विच इज नॉट अगेन पॉसिबल, तो ये ऑप्शन भी हमें छोड़ना पड़ेगा। दैट इज पी को हम लोग 60 डिग्री नहीं ले सकते, तो पी हमारे पास में 120 डिग्री पर फिक्स्ड होता है। क्यू को अगर मैं 30 लेता हूं, तो 120 एंड 30 बिकम्स 150 एंड रिमेनिंग आर पॉसिबल है। अगर मैं पी को 120, क्यू को 150 लेता हूं, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल इन ए ट्राइंगल, सो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होता है। तो हमारे पास यहां से एंगल P फिक्स्ड होता है 120 पे, एंगल Q फिक्स्ड होता है 30 पर, और इन दोनों से हमें R की वैल्यू भी पता लगती है, विच इज ऑल्सो 30 डिग्री। नाउ हम ट्रायंगल में बना देते हैं, ये हमारे पास में 120 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, एंड हेंस इट शुड ऑल्सो बी 30 डिग्री। दो एंगल्स इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होगी, सो ये साइड भी 1 हो जाती है। अब ये सारे ऑप्शन से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों से इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओ ई लेंथ, हमें कुछ बातें और भी दे रखी है जो हम देखें,
तो इन्होंने बोल रखा है कि क्वेश्चन में द मीडियन फ्रॉम आर मीट्स द साइड पी क्यू एस एट, तो आर से हमने मीडियन खींची और वो सामने वाली साइड पी क्यू को एस पर मिलती है, दैट इज एस इज मिडिल पॉइंट, सो दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, आर एस एंड पीई, वॉट पीई इज, अगेन क्वेश्चन में ई पॉइंट के बारे में बोल रखा है दैट पीई इज पी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी मीट द अपोजिट साइड एट ई. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्राइंगल पी आर ई एंड ट्राइंगल पी क्यू ई, सिंस दिस एंगल इज 90 degree, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज 30, दिस इज 30, एंड दिस साइड इज कॉमन, सो एंड दिस, सो दीज टू ट्राइंगल्स, दिस साइड एंड दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल, सो ट्राइंगल पी ई आर एंड ट्राइंगल पी क्यू ई आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, सो वी कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो मिडिल पॉइंट, ई इज द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, दैट इज दिस इज √3/2 एंड दिस इज ऑल्सो √3/2. हम ऐसा भी कह सकते हैं अब कि दिस पॉइंट which is the intersection point of PE and RS given in the question as O now becomes centroid of the triangle since this is median, this is also median. चूंकि हमें median, हमें ये पता लग चुका है कि ये centroid है और हम लोग median की length को find out कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग RS which is a median उसकी length लगाते हैं, उसकी length का formula use करते हैं, so RS के लिए 2 into this side square plus 2 into this side square minus this side square upon 4 और पूरे का square root, that is 6 + 2 = 8 - 1 √7/2 which is option number 4th, so our 4th is correct. Next हम लोगों से OE length पूछी है, हम with the same logic PE which is also a median उसकी length का formula use करते हैं, PE will be 2 into this side square plus 2 into this side square minus this side whole square upon 4 square root of this. This is 4 - 3 = 1/2. Since centroid divides median in the ratio 2:1, so OE will be equal to 1/3 times of PE. OE equals to 1/3 times of PE and PE is 1/2, so this is 1/6 which is option number first. Next हम लोगों के पास में triangle PQR यानी इस complete triangle की in radius पूछी गई है. In radius calculate करने के लिए हम लोग formula use कर सकते हैं delta upon small s. इस triangle की तीनों sides हम लोगों को पता है, तो s हम लोगों के पास में बन जाता है 1 + 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1/2 दिस साइड इनटू दिस साइड इनटू 1/2 × (1) × (1) × sin 120 degree, दिस इज √3/2, 2 and 2 हैज बीन कैंसिल्ड आउट, सो दिस इज √3/2 + √3 and one more 2 here. After rationalization we will get this number as √3 × (2 - √3) / 2 which is option number 2nd, so this is also correct. Now we have to calculate area of triangle SOE, so we join S and E. For this area we know this side and this angle, so area of triangle S, sorry, we have to find the area of this triangle SOE. This is the area which we want to calculate. For this purpose, we know length of OE, which is 1/6. We know the length of RS, that was √7/2. This is median, so OS is also 1/3 portion of RS. That is, this length is √7/6. SE length हम find out कर सकते हैं. इस triangle में हम लोग cosine formula apply कर देते हैं. cos 30 degree equals to
1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस एस ई लेंथ होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एस ई. वी कैन कैलकुलेट इट सिंपली. After calculating SE, we know the length of this side and this side. If we know all three sides of a triangle, then applying Hero's formula, we can find the area of the triangle. We know these three sides also. So we can find the area of this triangle using Hero's formula. When we will use this formula, that it will not going to be equal to root 3 upon 12. So this option will be incorrect. Okay. Next. Okay, so the next question is of probability and it is actually much simpler question actually. There are three bags in which there are some balls, green and red colored balls have been put in three bags. And there has been probabilities of selecting B1, B2, B3 has been given as 3/10, 3/10 and 4/10. Okay, so we have to read the question and then we have to calculate that probability. In the option number first, we have been asked that what is the probability that the chosen ball is green colored. So this probability should be calculated using total probability theorem. That is, we will first select bag and then select green colored ball. So first, if we should write down the probability of selecting bag B1, that is 3/10. Multiplied by, in bag 1 we have got 5 red and 5 green color balls. So the probability of selecting green color ball in 5/10 plus second bag B2 select hone ki probability 3/10 hai. B2 bag se green ball select hone ki probability 5/8 hai plus B3 bag select hone ki probability 4/10 hai aur B3 bag se green ball select hone ki probability 3/8 है. जब हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को ऐड करें देन वी विल गेट 39/80. सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट. ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3. ओके. ऑप्शन नंबर टू में हमें कहा गया है कि अगर सेलेक्टेड बैग B3 है तब ग्रीन बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. B3 बैग में हमारे पास 3 ग्रीन और 5 रेड कलर की बॉल्स हैं. सो यहां से अगर एक बॉल हम लोग निकालते हैं तब उसके ग्रीन कलर की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी सिंपल 3/8 होगी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3, इफ द चूजन बॉल इज ग्रीन देन द बैग वॉज B3. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम. हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर सेलेक्टेड बॉल B3 है तब चूजन बॉल ग्रीन हो. तो बेस थ्योरम जैसा हम जानते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नीचे की तरफ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि द बॉल सेलेक्टेड इज ग्रीन कलर, दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 39/80. हेयर इन द अबव इन द न्यूमरेटर वी शुड राइट द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द सेलेक्टेड बॉल इज, इफ द सेलेक्टेड बैग इज B3 देन द बॉल इज green. So that is third bag select hone ki probability 4/10 into waha se green ball nikalne ki probability 3/8. So this will be equal to 12/39, which is 4/13, which is not equal to 3/10. So option number 3 is incorrect. Option number 4th is similar to option number 3, which is also not 5/13. So this option is also incorrect. Okay, next. Question number 4th. There are two straight lines given in the vector format. We have to find a line L3 which is perpendicular to L1 and L2 both and also cuts both of them. That is, these all three lines should be, L3 should be cutting L1 and L2 separately.
So let us say this is L1 and this is L2. This is L3, which is perpendicular to L1 and L2 both. We can assume this, we can assume the point of intersection like A and B, and then we will assume point A as, since A is lying on the straight line L1, so we will assume point A as I cap plus lambda minus I cap plus 2j cap plus 2k cap, and B as mu times of 2i cap minus 2j cap minus j cap plus 2k cap. A और B हम लोगों को पता है, इसलिए हम ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए विल बी 2 म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस म्यू प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा के कैप. ये हमें ए बी वैक्टर मिला. नाउ ए बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल वन एंड एल टू बोथ. दिस इज द डायरेक्शन वैक्टर ऑफ एल वन एंड दिस इज द डायरेक्शन वैक्टर ऑफ एल टू. इफ दीज इफ टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो. सो ए बी वैक्टर डॉट माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप इक्वल्स टू जीरो. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू म्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली ए बी वैक्टर एंड एल टू इज परपेंडिकुलर. सो ए बी वैक्टर डॉट 2i cap minus j cap plus 2k cap equals to 0. That is 2 into 2 mu minus 1 plus lambda minus minus plus mu plus 2 lambda plus 2 into 2 mu minus 2 lambda equals to 0. Equation number 2. Equation first and equation 2 are simultaneous linear equations of lambda and mu. We can solve easily these two equations to find the values of lambda and mu. When we get lambda and mu, we can put those values in this and this. Through that we will get the values, get the position vectors of point A and B. Once we get point A and B, we can easily find the equation of straight line joining AB. And then the options can be also checked. So when we check these options and when we calculate all these things, we will get the correct options as first, second, and third, and fourth will be a incorrect option. Okay. Next. Okay. Next question. Question number fifth. Differential equation का एक question हमें दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि एक curve है जो कि 0.1, 0 से pass होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. पॉइंट पी पर टेंजेंट खींचते हैं, वो वाई एक्सिस को पॉइंट वाई पी पर कट करती है, और पी और वाई पी के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को 1 दे रखी है. फॉर ईच पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट ले वो लेंथ हमारे को 1 मिलेगी. सो लेट अस से दिस इज आवर कर्व, दिस इज पॉइंट पी. इस प्रकार से हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ करी. इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई अज्यूम किया. ये पॉइंट yp है, इसके कोऑर्डिनेट 0, y माइनस एक्स dy बाय dx हमें मिलते हैं, और ये लेंथ हम लोगों को 1 दे रखी है. जब इस इक्वेशन में हम लोग इस इन दोनों के बीच हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, सो वी गेट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y प्लस x dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दैट इज dy by dx equals to 1 minus x square upon x ka root plus minus. यहाँ हम लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है
कि ये कर्व 1,0 से पास होता है और इसकी जो डोमेन है, जैसा हम लोगों को ऑप्शंस में भी नज़र आ रहा है कि एक्स की वैल्यू को हमें 1 से छोटा लेना है, अगर एक्स की वैल्यू को हमें 1 से छोटा लेना है तो देयर वर टू पॉसिबिलिटीज़। एक हमारे पास में कर्व इस तरह का हो सकता था कि ये 1,0 से पास हो रहा है और एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, और एक हमारे पास में इस तरह का हो सकता था कि कर्व 1,0 से पास हो रहा है। बट इस प्रकार के कर्व को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हमें ये पता लगता है कि कर्व ऐसा ही होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो भी नेगेटिव है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स शुड बी नेगेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स शुड बी नेगेटिव, तो जहाँ पर हमें यहाँ पे दो कर्व मिल रहे थे, एक ये और एक विथ ए नेगेटिव साइन, हमें इस कर्व को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को पता है नेगेटिव आने वाला है, तो हम इसे रिजेक्ट करते हैं, केवल इस पर आगे हम लोग फर्दर काम करेंगे। नाउ इससे हम लोगों को पता लग गया y डैश इंटू एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। नाउ वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई इक्वल्स टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। टू इंटीग्रेट राइट साइड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज साइन थीटा। सो दिस इज वाई इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड डी एक्स इज कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। दिस इज माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, इंटीग्रेट होकर हो जाता है माइनस में लॉग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इंटीग्रेबल एज माइनस कॉस थीटा, सो इट बिकम्स कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। If we again convert theta in x, then this is y equals to minus minus log 1 upon x plus 1 minus x square root upon x plus 1 minus x square root plus constant of integration. This curve should pass through 1,0. If we will put 1 here, this becomes 0, this whole becomes 1. So this log 1 is 0. If we put 1 here, this also becomes 0 and this is also 0. So 0 equals to 0 plus c, that is c equals to 0. Jaise hi hum c ko 0 rakhte hain, hum logo ko curve milta hai y equals to minus minus plus log 1 plus root 1 minus x square upon x minus root 1 minus x square, which is ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो फोर्थ इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस। एफ एक्स हैज बीन गिवन इन डिफरेंट सेगमेंट्स इन डिफरेंट इंटरवल, इट इज डिफाइंड डिफरेंटली। कुछ ऑप्शन हमें अलग अलग दे रखे हैं, एफ डैश की मैक्सिमा वैल्यू के बारे में देखा है, एफ डैश की डिफरेंशिबिलिटी के बारे में देखा है। इफ वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इफ वी पुट जीरो हेयर इट वी विल गेट 1, इफ वी पुट जीरो हेयर इट इज ऑल्सो 1, सो एट 0 इट इज कंटिन्यूस, इफ वी पुट 1 इट इज 1, इफ वी पुट 1 हेयर 2/3 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 8/3 दैट इज 3 माइनस 6/3 दैट इज 3 माइनस 2 अगेन 1, सो 1 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर 3 हम लोग यहाँ और यहाँ रखते हैं तो भी हम लोगों को इन दोनों की वैल्यूज एक जैसी मिलेगी, दैट इज एट फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 ऑल्सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो वी कैन अप्लाई ए शॉर्टकट, दैट इज वी कैन डिफरेंट डायरेक्टली एफ डैश एक्स इज 5x टू द पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x
प्लस थ्री फॉर एक्स लेस देन जीरो, टू एक्स माइनस वन फॉर जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। हम लोगों ने इक्वलिटी का साइन हटा दिया है क्योंकि हम लोगों को अब जीरो पर डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट करने के बाद इक्वलिटी अप्लाई करनी होगी। टू बाई थ्री इंटू थ्री, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन फॉर वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री एंड लॉग एक्स माइनस टू एंड देन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू दैट इज वन माइनस वन, बोथ विल बी कैंसल्ड आउट, एक्स ग्रेटर देन थ्री। नाउ वी चेक द ऑप्शंस। एफ डैश हैज ए लोकल मैक्सिमम, सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमा और डिफरेंशिबिलिटी ऑफ एफ डैश, सो फर्स्ट एफ डैश के लोकल मैक्सिमम के बारे में हम देख सकते हैं। एफ डैश वन नेगेटिव, एफ डैश वन नेगेटिव इज टू माइनस वन वन, एफ डैश वन पॉजिटिव इज टू माइनस एट प्लस सेवन दैट इज नाइन माइनस एट अगेन वन। सो एफ डैश वन नेगेटिव इज वन, टू माइनस एट प्लस वन नाइन माइनस एट वन। सो एफ डैश इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। एफ डैश हैज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू वन। फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमा और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ डैश वी हैव टू फर्दर कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स, सो वी शुड कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स ऑल्सो। वन पर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं एफ डैश एक्स एफ एक्स की, दोनों की वैल्यू वन के बराबर आ रही थी, इसका मतलब वन पर फंक्शन डिफरेंशियबल था, सो वी कैन अप्लाई इक्वलिटी हेयर और हेयर। एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, वी आर कैलकुलेटिंग ओनली इन दिस इंटरवल सिंस वी हैव टू कैलकुलेट ओनली एट वन, टू वेयर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन एंड फोर एक्स माइनस एट वेन वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू। If we calculate f double dash 1 negative, it is 2. If we calculate f double dash 1 positive, it is minus 4. Since f double dash x is converting from a positive number to a negative number at x equal to 1, so we can say that f dash x is having a maxima at x equals to 1. That is, option number first is correct. Again, f dash is not differentiable at x equal to 1. It is also correct that since f double dash 1 negative and f double dash 1 positive are different, so f dash is not differentiable at x equal to 1. This is also correct. Now further, there are two options. F is onto. To calculate this, we have to find the range of function fx. As we know that this is a polynomial function of degree odd and here x is also less than 0. So this function, this part will be having a minimum value as minus infinite. This function is completely continuous. So at any point if we find that function is going towards infinite, then we can say that function will be having the range from minus infinite to plus infinite. Okay. Now, if we talk about this function where x is greater than or equal to 3 and fx is this, to find the range, if we calculate limit x tending infinitive fx, that is limit x tending infinitive x minus 2 log x minus 2 minus x plus 10 upon 3, limit x tending infinitive, since x is tending towards infinitive, x minus 2 can be supposed as x, यहां पर हम लोग माइनस टू ले लेते हैं साथ में, तो एक्स माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू माइनस में एक्स माइनस टू, ये प्लस टू हुआ तो टेन बाई थ्री माइनस टू दैट इज फोर अपॉन थ्री, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव एक्स माइनस टू कॉमन लॉग एक्स माइनस टू अपॉन ई, ऐसा हम लिख सकते हैं प्लस 4 upon 3. This is going towards infinite. This is also going towards infinite. So this whole number is going towards infinite. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो function है,
एक्स इक्वल टू इन्फिनिटिव पर एक्स जब इन्फिनिटिव की तरफ अप्रोच करेगा तब ये फंक्शन इन्फिनिटिव की तरफ अप्रोच करेगा, और ये वाला फंक्शन नीचे में माइनस इन्फिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा था एंड फंक्शन वॉज कंटिन्यूअस, सो इसकी रेंज हो जाती है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, दैट इज आर, और कोडोमैन भी हमें आर दे रखी है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें हमें एफ के इंक्रीजिंग होने के बारे में पूछा गया है माइनस इन्फिनिटिव से जीरो के इंटरवेल में. एफ के इंक्रीजिंग होने के लिए हमें एफ डैश एक्स को देखना पड़ेगा कि वो माइनस इन्फिनिटिव से जीरो के इंटरवेल में किस प्रकार का है. हेयर वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इफ वी इस फंक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए 5x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब. 5 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इफ यू पुट ए 1 हेयर देन दिस बिकम्स माइनस 2 एंड दिस नाउ बिकम्स x प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 2. दिस इज f डैश x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटिव टू 0. ओके, माइनस इन्फिनिटिव पे जैसा हमें दिख रहा है कि ये नंबर नेगेटिव जा रहा है, और जीरो पर अगर हम देखें तो ये नंबर पॉजिटिव जा रहा है. इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स एक्स को माइनस इन्फिनिटिव से जीरो ले जाने पर पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा है और नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, एंड दैट इज माइनस इन्फिनिटिव से जीरो के इंटरवेल में एफ एक्स समवेयर विल बी इंक्रीजिंग एंड समवेयर विल बी डिक्रीजिंग. इट इज नॉट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन इंटरवेल माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अल्फा और बीटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं. अल्फा बीटा से बड़ा है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस 1. ए एन हम लोगों को दे रखा है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा. बी वन और बी एन के बारे में कुछ रिलेशन हम लोगों को दे रखे हैं. तो सबसे पहले हम लोग बी एन ही कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1. ए एन माइनस 1 इज एल्फा टू दी पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा प्लस ए एन प्लस 1 विच इज एल्फा टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा. वी कैन टेक एल्फा माइनस बीटा कॉमन. दिस शुड कैन बी रिटन लाइक एल्फा टू दी पावर एन अपॉन एल्फा बीटा टू दी पावर एन अपॉन बीटा प्लस एल्फा टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा टू दी पावर एन प्लस 1. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा. हेयर वी टेक एलसीएम एल्फा बीटा एंड एल्फा बीटा इज माइनस 1. एल्फा टू दी पावर एन इंटू बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा टू दी पावर एन प्लस एल्फा टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा टू दी पावर एन प्लस 1 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा. अब हमारे पास अल्फा की पावर एन बीटा की टर्म भी है और अल्फा की पावर एन प्लस 1 की टर्म भी है. इस टर्म और इस टर्म में हम लोग अल्फा की पावर एन कॉमन लेते हैं. यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा माइनस बीटा, और इसी प्रकार इस टर्म और इस टर्म में हम लोग बीटा की पावर एन को कॉमन ले लेते हैं. तो जब हम लोग बीटा की पावर एन को कॉमन लेते हैं तो बीटा की पावर एन कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचता है प्लस अल्फा और यहाँ हमारे पास बचता है बीटा. दिस एल्फा माइनस बीटा एंड दिस एल्फा माइनस बीटा विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस एल्फा माइनस बीटा. दिस बिकम्स एल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन विच इज ऑप्शन नंबर 2. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. फर्दर हम लोग फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम लोगों को एक सीरीज दे रखी है सिग्मा ए एन अपॉन 10 टू द पावर एन. एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, दैट इज ए वन अपॉन 10 टू द पावर 1 प्लस ए टू अपॉन 10 स्क्वायर प्लस ए थ्री अपॉन 10 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ एवन. ए वन इज एल्फा माइनस बीटा अपॉन एल्फा माइनस बीटा 1 अपॉन 10 स्क्वायर. ए टू इज एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा माइनस बीटा. ए थ्री इज एल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन एल्फा माइनस बीटा प्लस इन्फिनिटिव. सो
अगर हम लोग अल्फा की टर्म्स को और बीटा की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं तो ये हम लोगों को एक जीपी नज़र आ रही है, इनफाइनाइट जीपी। ए अपॉन वन माइनस आर फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा को कॉमन लेते हैं, अल्फा बाई 10 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बाई 10 क्यूब, दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर। सिमिलरली बीटा की भी यही सीरीज है, बीटा अपॉन 10 अपॉन वन माइनस बीटा अपॉन 10, दैट इज वन अपॉन एल्फा माइनस बीटा, एल्फा अपॉन 10 माइनस एल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, दैट इज वन अपॉन एल्फा माइनस बीटा 100 माइनस, एलसीएम ले रहे हैं, 100 माइनस 10 एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, 10 एल्फा माइनस 10 बीटा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, माइनस अल्फा बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, सो वो कैंसिल आउट होता है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा कैंसिल आउट होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 1, वो अगर हम रख देते हैं ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 10 90 माइनस 1, नीचे बनता है 89, ऊपर बन गया हमारे पास 10, इट बिकम्स 10 अपॉन 89 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमने ए की सीरीज कैलकुलेट की है बिल्कुल उसी प्रकार हम बी की सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये 8 अपॉन 89 नहीं आएगा, सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, फोर्थ ऑप्शन हमें A1 से लेकर के AN तक का सिग्मा दे रखा है, A1 प्लस A2 प्लस टिल AN, ये हम लोगों को दे रखा है। A1 हमारे पास होता है अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, A2 होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस, इसी तरह से ये चलता है सबसे लास्ट में, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये सीरीज हमें ऐड अप करनी है। 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा को एलसीएम लेते हैं, अल्फा की एक सीरीज चल रही है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जीपी, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अगेन एक जीपी, दोनों में जीपी के फॉर्मूले लगा देते हैं, तो ए इंटू कॉमन रेशो पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, दिस इज विल बी 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 माइनस अल्फा, वी विल टेक एलसीएम हियर, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, दिस बिकम्स अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 इंटू अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1, दिस इज 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी अल्फा बीटा विच इज माइनस 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा, सो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस में 1, यहां हम लोग मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा इज माइनस 1 माइनस अल्फा, अल्फा की पावर एन माइनस 1, ये बीटा अंदर लेके जाएं, अल्फा बीटा इज अगेन माइनस 1 माइनस बीटा इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1, ये हमारे पास कैलकुलेट होता है 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इज 1 माइनस 1 को हम इधर की तरफ ले गए हैं, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस माइनस ऑफ प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस 1 माइनस माइनस एंड माइनस माइनस बीटा, दिस बिकम्स 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, दिस वन एंड दिस वन इज कैंसिल्ड आउट, बीटा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस 1 एंड अल्फा की पावर एन प्लस 1 अल्फा की पावर एन,
वी वर हैविंग द वैल्यूज ऑफ एल्फा प्लस बीटा एज वन एंड एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस वन. सो एक और चीज करते हैं, इस तरह से जाने पर हमारे पास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं यहां से. दिस इज वन अपॉन एल्फा माइनस बीटा, एल्फा इंटू एल्फा टू द पावर एन माइनस वन. हम क्या करते हैं, एल्फा माइनस वन की वैल्यू माइनस बीटा है, तो एल्फा माइनस वन को मन माइनस बीटा रख देते हैं. माइनस बीटा, बीटा टू द पावर एन माइनस वन, बीटा माइनस वन की वैल्यू माइनस एल्फा है, उसको यहाँ पर पुट अप कर देते हैं. ये हो जाता है वन अपॉन एल्फा माइनस बीटा. और अब हम लोग ये माइनस और ये माइनस मिला के हम लोग प्लस कर सकते हैं. अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं एल्फा बीटा, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा माइनस में बीटा माइनस में एल्फा स्क्वायर एल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा की पावर एन माइनस वन. सो दिस बिकम्स, दिस एल्फा बीटा बिकम्स माइनस वन. सो वन अपॉन बीटा माइनस एल्फा, बीटा की पावर एन प्लस टू माइनस एल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. दिस इज वन अपॉन बीटा माइनस एल्फा. इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस बीटा की पावर एन प्लस टू अपॉन एल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस प्लस एल्फा माइनस बीटा इंटू एल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस एल्फा. सो ये हमारे पास में ए एन प्लस टू बन गया. यहाँ एल्फा माइनस बीटा, एल्फा बीटा माइनस एल्फा कट करेंगे, एक माइनस वन आ जाएगा. एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी, तो दैट बिकम्स अल्टीमेटली माइनस वन. सो दिस ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट्थ. क्वेश्चन नंबर एट्थ में हम लोगों को एक मैट्रिक्स एम दे रखी है और उसकी एक एडजॉइंट मैट्रिक्स भी दे रखी है. मैट्रिक्स ए में ए और बी करके एलिमेंट दे रखे हैं, एडजॉइंट एम हमें कम्प्लीटली करेक्ट एलिमेंट के साथ दे रखी है. तो दैट इज, हम लोगों को इन रिलेशंस को यूज करना पड़ेगा और ए और बी की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो फॉर कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ एम वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स. So I am writing the cofactor elements of matrix M. So adjoint of M, zero का cofactor आएगा हम लोगों के पास में 2 minus 3B. One का cofactor आएगा हम लोगों के पास में 1 minus 9, that is 8. A का cofactor आएगा B minus 6. One का cofactor हमें आएगा 1 minus AB, तो AB minus 1. Two का cofactor हमें मिलता है 0 माइनस थ्री ए. थ्री का कोफैक्टर हमें मिलेगा 0 माइनस थ्री, तो प्लस थ्री. थ्री का कोफैक्टर हमें मिलेगा 3 माइनस टू ए. बी का कोफैक्टर हमें मिलता है 0 माइनस ए, दैट इज प्लस ए. एंड वन का कोफैक्टर हमें मिलता है 0 माइनस वन. इसका पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विच इज 2 माइनस थ्री बी 8, b माइनस सिक्स, ए बी माइनस वन माइनस थ्री ए, ए बी माइनस सिक्स सॉरी 3 माइनस टू ए, ए एंड माइनस वन. नाउ दिस शुड बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, बट दिस इज गिवन लाइक दिस. वी कैन कंपेयर द एलिमेंट्स. सो 2 माइनस थ्री बी इक्वल्स टू माइनस वन, वेयर वी गेट value of b equals to 1 and element a equals to, directly compare कर सकते हैं, 2. So we get value of a and b. Now a plus b is 3. So option number first is correct. Now in second option हम लोगों को calculate करना है adjoint of matrix m square का determinant. As we know, there is a formula, adjoint of matrix A determinant is determinant A to the power n minus 1, and particularly for third order matrix this becomes 2.
एम स्क्वायर इज ऑल्सो ए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर इज ऑल्सो ए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स. तो वी कैन राइट दिस लाइक एम स्क्वायर मैट्रिक्स होल स्क्वायर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम होल पावर 4. सिंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी कैन फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम. डिटर्मिनेंट ऑफ एम विल बी लाइक हियर एम इज 0, 1, A is 2, 1, 2, 3, and 3, 1, 1. This is matrix M. So, determinant of matrix M equals to 0, minus 1 into 1 minus 3, that is minus 8, plus 2 into 1 minus 6, that is minus 5. That is 8 minus 10 minus 2. So, this is minus 2 whole power 4, that is 16, which is not given in the option number 2. So option number 2 is incorrect. Now the third option is adjoint of matrix M inverse plus adjoint of M matrix inverse. We have a formula, M inverse equals to adjoint of M upon determinant of M, and determinant of M is minus 2. So adjoint of M matrix is minus 2 into M inverse matrix. Adjoint of matrix M inverse is equal to minus 2 M inverse matrix inverse, that is minus 1 by 2 into matrix M. So this element is equal to minus 1 upon 2 into matrix M. Now there is one other element, that is adjoint of matrix M inverse. M equals to adjoint of matrix M upon determinant of matrix M. We can put M in place of M inverse. So M inverse equals to adjoint of M inverse upon M inverse determinant. So from here, adjoint of M inverse equals to M inverse into M in determinant of M inverse, and determinant M was minus 2. So this becomes minus 1 upon 2 inverse, that is minus 1 upon 2 M. Okay. So this element is also equal to minus 1 upon 2 M, and this element is also equal to minus 1 upon 2 M. If we add these two elements, then we will get minus M, which is given in the option number third. So option number third is also correct. Now there is another one, matrix equation has been given in option number fourth. So for option number fourth, matrix M into alpha, beta and gamma equals to 1, 2 and 3. Matrix M is 0, 1, A was 2, 1, 2, 3, 3, B was 1, into alpha, beta, gamma equals to 1, 2, 3. We can multiply these two matrix. We will get 0 into alpha plus 1 into beta plus 2 into gamma. This should be equal to 1. Equation first. 1 into alpha plus 2 into beta plus 3 into gamma. Equation equals to equation number 2. 3 alpha plus beta plus gamma equals to 3, equation number 3. We can simply calculate alpha, beta and gamma from these two equations, and through that we will get alpha equals to 1, beta equals to minus 1 and gamma equals to 1. So question mein pucha hai alpha minus beta plus gamma. 1 plus 1 plus 1, that is 3, which is given in the option number 4. So this option is also correct.